आपके कद्दू या करेले या कोई भी बेल है उसके ऊपर फ्रूट नहीं लगता, फ्रूट छोटा रह जाता है और आप बड़े परेशान होते हैं कि हमने बेल तो लगाई हुई है, फूल भी आते हैं लेकिन उन पे फल नहीं बनता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हम उसकी पोलिनेशन नहीं करते। तो सबसे मेन चीज होती है पोलिनेशन, होती है अपने मेल फ्लावर की पहचान, और फीमेल फ्लावर की पहचान भी मैं कराता हूँ। तो इसी मजेदार टॉपिक के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिस से होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद में। आज हम आपको बहुत अहम इशू की तरफ आ रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने कद्दू, करेले, तोरी, इन सब की बेलें लगाई हुई हैं लेकिन इन पे फ्रूट नहीं लगता। ठीक है, फ्रूट छोटा छोटा फ्रूट होता है, वो बड़ा नहीं होता, उसी तरह वो खुश्क हो जाता है, तो इसका क्या हल है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेल फ्लावर है और वहां पे आप आते हैं तो फीमेल फ्लावर है। मैं आपको बता देता हूँ, तो दिखाते हैं सबसे पहले आपको मेल फ्लावर। ये आप देख रहे होंगे, ये होता है मेल फ्लावर, जिसके पीछे फ्रूट नहीं होता, जस्ट फ्लावर होता है। इसका काम सिर्फ पोलिनेशन करना होता है। तो इस तरफ आते हैं तो ये होता है अपना फीमेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर के पीछे आप देखेंगे तो ये फ्रूट है, कद्दू है। इसकी आज हम पोलिनेशन करना सिखाएंगे, क्योंकि आप बेल लगाते हैं तो उसकी पोलिनेशन नहीं होती। तो उसकी मेन रीजन ये होती है कि आप इसकी पोलिनेशन नहीं करते। ठीक है, तो पोलिनेशन करने का मैं आपको सेम तरीका सिखा देता हूं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपने ये ले लेना है, ठीक है, ये रुई होती है जिससे हम कान वगैरह साफ करते हैं, तो इस रुई के साथ आप पोलिनेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम आते हैं मेल फ्लावर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा मेल फ्लावर है। ठीक है, तो इसका जो पोलन है, पोलन यहां से लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पोलन लेंगे। ये देखिए, इसका पोलन आ गया हमारे पास, हल्का सा आपने टच करना, इसका पोलन आया। तो अभी हम फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे। ये आता है फीमेल फ्लावर, ठीक है, जिसके बैक पे देखें फ्रूट होता है। इसकी हैंड पोलिनेशन कर देनी है, जिसकी वजह से अब हमें मैनुअल तरीके के साथ इनकी पोलिनेशन करते हैं। और इस तरह से आप पोलिनेशन करके अपने जो बेलों वाली सब्जियों में बहुत ज्यादा इश्यू आता है उसको आप खुद ही रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने पोलिनेशन करते रहना है। देखें इस पे ये सारे मेल फ्लावर्स हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हमारे, ये देखें कुछ छोटे छोटे, ये पूरी शाख जो है ना, ये हमारी 2G और 3G कटिंग के बाद इस पूरी शाख पे बहुत ज्यादा फ्रूटिंग हुई है। तो इस तरह से ना, आपने 1G और 2G कटिंग के हवाले से मेरी वीडियोस मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपकी बेल भी इस तरह से ग्रो होते हुए भरपूर फ्रूटिंग के साथ आपको ये फल देगी। और पोलिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, तो इस तरह से आप इस तरीके को फॉलो करके आप भी अपने सभी जो बेलों वाली सब्जियों में फल छोटा रह जाता है और उसको किस तरह से आपने घर पे ही उसकी पोलिनेशन करके उसको एक बड़े साइज के फल में कन्वर्ट करना है, उसका एक ही तरीका है, वो है पोलिनेशन। चाहे आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका फ्रूट बड़ा नहीं होता, साइज इंक्रीज नहीं होता, तो उसकी सबसे मेन रीजन ये होती है कि हम उसकी पोलिनेशन नहीं करते। ठीक है, मेल फीमेल फ्लावर की पोलिनेशन करेंगे तो इस तरह से आपका फ्रूट तैयार हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको करेले का बताया है। ये देखें, अगर हम इसकी पोलिनेशन ना करते तो हमारे भी जो करेले, कद्दू, लौकी, तोरी, बेलों वाली सब्जियां हैं उस पे फ्रूट छोटा रह जाता और इसी तरह हम फिर डिमोटिवेट हो जाते कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं लेकिन हमारा फ्रूट क्यों नहीं बन रहा। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो भी बेलों के वाले से जो फ्रूट है वो नहीं बनता, वो इशू आपका रिजोल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो हमारी पोलिनेशन के तरीके के पर थी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग ऐसा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत।